प्रिय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के मूल कॉन्सेप्ट के थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पर मूल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन की बात करेंगे, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम मूल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैसे आप जो क्वेश्चन आप 4-5 लाइन में होते उसको एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए मैं इस लेक्चर में आपको बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, उसमें क्या है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वेट, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, ऐसे करके आप सॉल्व करते हैं। बट मैं इस लेक्चर में आपको बिल्कुल सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके मूल कॉन्सेप्ट के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज तो पता है कि वन मोल इक्वल टू, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा है कि वन मोल इक्वल टू 6.022 × 10²23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने इससे पहले लेक्चर में एटॉमिक मास एंड एमयू का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, वन मोल इक्वल टू इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जैसे मान लीजिए लिखा हो कहीं पर वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ एटम ये इक्वल होता है बच्चों वन ग्राम ऑफ दैट एटम। जो भी हम एटम लेंगे वो वन मोल उसी के बराबर होता है, और वन मोल इक्वल टू 6.022 × 10²23 एटम्स होंगे, और यही इक्वल होता है बच्चों उस एटम के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, अगर इसी का हम एग्जाम्पल लिखे तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो कि वन मोल ऑफ सोडियम एटम, इसका मतलब क्या है कि वन ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, इक्वल टू कितने सोडियम एटम के बराबर होगा 6.022 × 10²23 सोडियम एटम के बराबर होगा। और ग्राम एटॉमिक मास बच्चों यहां पर हमने क्या लिया है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ये यही 23 ग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने जनरल किसी भी एटम के लिए लिखा है, तो आप कोई भी एटम लोगे तो वो इसी एटम के बराबर होगा, और वन मोल में आपको पता ही है उतना एटम होंगे, और उसी एटम के क्या होंगे ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर मैग्नीशियम लिया होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं वन मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम इक्वल टू वन ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम इक्वल टू 6.022 × 10²23 मैग्नीशियम एटम इक्वल टू मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 24, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 24 ग्राम, ठीक है। यहां तो हो गई बात एटम की, अगर मान लीजिए सपोज कोई मॉलिक्यूल होता तो यहां पर उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा वन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा वन मोल आपको पता है 6.022 × 10²23 मॉलिक्यूल्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा वो एटम के लिए था, और ये जो पॉइंट है बच्चों किसके लिए है मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मॉलिक्यूल यहां पर वाटर ले लिया तो हम क्या लिखेंगे वन मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा वन ग्राम ऑफ H2O
मॉलिक्यूल के बराबर, और 1 मोल में आपको बताया बच्चों क्या होता है, 6.022 × 10^23 H2O मॉलिक्यूल्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर अग्नि का लिया मॉलिक्यूल में H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना होता है 18, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इसी तरह से कोई आयन सिलेक्शन किया है तो वही चीज होगा, या अगर मान लीजिए कोई हमने गैसियस मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अब जब भी क्वेश्चन में गैसियस मॉलिक्यूल होगा तो उस क्वेश्चन में आपको एसटीपी कंडीशन दिया होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और एसटीपी का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ गैसियस या गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इक्वल 6.022 × 10^23 कितना बच्चों 23 गैस मॉलिक्यूल्स, और ये होगा उसी गैस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यहां पर जब गैसियस मॉलिक्यूल होगा तो एक टर्म और आ जाएगा 22.4 लीटर एट एचटीपी। ठीक है, ये चीज स्टार्ट है, तो ये हो गया किसी भी गैस के लिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमने क्या लिखा। अब इसके लिए भी एग्जांपल वैसे ही देख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और वही इक्वल होगा 6.022 × 10^23 ऑटो मॉलिक्यूल के, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, और वही हो जाएगा इक्वल 32.4 लीटर एसटीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक हो, जैसे दिया हो इन 4 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम, 4 ग्राम ऑफ इन फोर ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है, इन 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर देन कैलकुलेट हमें निकालना क्या है सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, अमाउंट ऑफ एजी निकालना है, पहला क्वेश्चन है, और सेकेंड जो क्वेश्चन है वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एजी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इन 4 ग्राम एटम ऑफ एजी आपको दे रखा है, तो 4 ग्राम ऑफ एटम एजी में कितना अमाउंट एजी का होगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इतने में 4 ग्राम ऑफ एटम में कितना 1 एटम का मास कितना होगा, ठीक है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एजी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एजी। ठीक है, अब आपको पता है कि अमाउंट ऑफ एजी निकालना है, तो यहां पर देखिए एटम, यहां ये क्या है एटम है, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू क्या, 1 ग्राम एटम, ठीक है, और ये इतने वो एटम के बराबर और उसी का ग्राम एटॉमिक मास, तो हमें क्या यहाँ पर 4 ग्राम एटम दिया है, तो बेसिक पे जाइए, यहाँ पर क्या होगा कि 1 ग्राम ऑफ, यहाँ पर एटम कौन सा है सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम इक्वल टू कितने ग्राम एटॉमिक मास, सिल्वर कितना होता है 108, सिल्वर का एटॉमिक मास जो होता है बच्चों एजी का वो कितना होता है 108 ग्राम। ठीक है, तो बेसिक पे जाइए 1 ग्राम ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, सिल्वर कितना होता है 108 ग्राम, तो इसलिए 1 पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा 108/1, और इसलिए कितने पूछ रहा है, इसलिए कितने पूछ रहा है 4 ग्राम में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम ये हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 108/1 × 4, तो यहां से कितना आ जाएगा
32 और 4 इतने ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 ग्राम में एटम ऑफ एजी में कितना अमाउंट होगा, 432 ग्राम होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये बेसिक से रिलेटेड है कि यहाँ पे पूछा था 4 ग्राम ऑफ एटम एजी में, ठीक है, कितना अमाउंट होगा एजी का। तो आप बेसिक 1 ग्राम ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास सिल्वर में कितना 108 होता है, इसलिए 4 में निकाल लो, 4 में दिया है, तो यहाँ से ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, वेट ऑफ 1 एटम, 1 सिल्वर एटम का मास कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 एटम सिल्वर का मास कैसे निकालोगे बच्चों, देखो यहाँ पर देखो 6.022 × 10⁻²³ एटम का मास कितना होगा, सिल्वर के ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 108 के बराबर होगा। तो अगर हम, ये तो पहला हो गया सॉल्व, अगर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पूछ रहा है कि एक एटम सिल्वर के मास का वेट कितना होगा, तो आपको पता है कि 6.022 × 10⁻²³ सिल्वर एटम का मास कितना है 108 ग्राम, इसलिए 1 एटम का मास कितना आ जाएगा बच्चों 108 डिवाइड बाय कितना 6.022 × 10⁻²³, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा वो 1 एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो बेसिक जो है मोल का उससे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एटम दिया है, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं चेंज करके कि बताइए इन इन 10 ग्राम H2O मॉलिक्यूल, इन 10 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O एंड वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 ग्राम ऑफ, इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप क्या लिखोगे, ये मॉलिक्यूल का दिया है तो ये वाला लिख यूज करो, 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना होता है 18 होता है, ठीक है। इसलिए 1 का निकालोगे तो 18 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, और इसलिए क्वेश्चन में कितना दिया है 10 ग्राम का, यहाँ से 10 ग्राम का जब करोगे यहाँ इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 180 ग्राम, ठीक है। जैसे एटम का था वैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल का आप यूज करोगे। और सेकेंड आपको पूछा गया वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक H2O मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, तो यहाँ पर आपको पता है 6.022 × 10⁻²³ H2O मॉलिक्यूल का वेट कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड का सोल्यूशन, तो सेकेंड में क्या लिखोगे आप, जो कि 6.022 × 10⁻²³ H2O मॉलिक्यूल का वेट कितना है 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है 18 होता है, इसलिए 1 को निकाल लो, तो 18 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻²³, ठीक है। तो इसलिए 1 इतने मॉलिक्यूल का इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, बस डिवाइड कर दो, तो जो भी यहाँ से आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने जो बॉक्स बनाया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा और मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, हम जो भी एटम लेंगे ठीक है वैल्यू यही रहेगा, एटम का नाम चेंज होगा, और यहाँ पर हम एटम लेंगे तो एटॉमिक मास हम लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। एक लाइन में मूल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए हम ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक चीजें थी, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, बट अब जो पढ़ने जा रहे हैं आप जो भी क्वेश्चन मोर कॉन्सेप्ट के आए हुए क्वेश्चन है, चाहे जेई हो या नीट हो, आप यहाँ से देख लेना, एक लाइन में आप फटाफट तुरंत आंसर सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको देखो ये चीज तो पता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ये चीज आप लोग ने नाइन्थ में पढ़ रखा है कि मोल निकालते कैसे हैं, तो जिसका भी मोल निकालना हो उसका वेट डिवाइड बाय उसका मोलर मास। अगर एटम होगा तो मोलर मास के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास के प्लेस पे आप बच्चों क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ट्रिक हमारा क्या है, देखिए आपको यहां मोल को सेंटर में लेना है, एक साइड हम देते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और एक साइड लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत ही काम का चीज है ये, और एक साइड यहां लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो भी वॉल्यूम सब्सटेंस का होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप मोल की तरफ जाओ, ठीक है, चाहे आप वेट ऑफ सब्सटेंस से मोल की तरफ जाओ, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप मोल की तरफ आओ, और चाहे वॉल्यूम से आप मोल की तरफ आओ, ठीक है, आपको एक ही गाना गाना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। मोल की तरफ आना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, मोल की तरफ आना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, यही गाना आप याद रखना है, ठीक है। अब मोल से जब दूसरी तरफ जाना है, मतलब मोल से दूर जाओगे, तो आपको बच्चों क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सीधा सा डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है, जब मोल की तरफ आओगे तो डिवाइड करना है, ठीक है, और जब मोल से दूर जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का डाउट ही क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। जब भी बच्चों वॉल्यूम दिया होगा तो वहां पर आपको एचटीपी कंडीशन दिया होगा, ठीक है, एचटीपी कंडीशन, ठीक है, एट एचटीपी, और एचटीपी एट एचटीपी वॉल्यूम कितना लेते, 22.4 लीटर। अब यहां से हमें ये तो क्लियर हो रहा है, मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है, मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, बट किससे करना है, तो जब भी आपको वेट और मोल का रिलेशन कहीं भी है तो हमेशा बच्चों आपको मोलर मास से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, और जब भी मॉलिक्यूल और मोल का रिलेशन कहीं भी है तो हमेशा आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल, 6.022 × 10^23, और जब भी वॉल्यूम और मोल का कहीं भी रिलेशन हो तो वहां से आपको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ये छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन आएगा इसको आप क्या करना है, इसको बनाना नहीं है, इसको आप सिंपल दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मोल की तरफ जाना है तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो मोल कैसे निकालते, मतलब ये चीज हमें निकालना है, ठीक है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल निकालना था, हम डिवाइड करने के से मोलर मास से, मतलब मोल की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, सीधा सा सब में मोल की तरफ जाओगे तो डिवाइड करना है, तो मोल एक तरह से क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी ये सब क्या हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट हो गए। स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट में जाना है तो मोल से होकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, सबसे पहले मोल जाना है, फिर मोल से जैसे जाना है वही प्रोसेस अप्लाई करना है। अभी भी क्लियर कुछ हुआ होगा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो 100% आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, अब मान लीजिए एक चीज और कुछ करना है, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है आपको कोई वेट दे दिया होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ लेते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है,
कि आपको यहां से निकालो, उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम से। अगर उस मॉलिक्यूल में पूछे बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आपको पूछे उसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उस मॉलिक्यूल में पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूट्रॉन हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती वो पूरा हम इसमें देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हो कि 88 ग्राम ऑफ CO2 एट HTP, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछे, जैसे हम ये क्या दिया है 88 ग्राम ऑफ CO2 एट HTP, मतलब ये वेट दिया है ना बच्चों, यहाँ पर ये चीज दिया है। अब क्या पूछ सकता है सबसे पहला क्वेश्चन, ये चीज दिया सबसे पहला आपको मोल पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बताइए कितने मोल होंगे, ठीक है। अब मोल पूछ लिया तो पूछ सकता है बताओ 88 ग्राम CO2 में कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है वॉल्यूम एट HTP बताओ कितना होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, चलो ये पूछ लिया, क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इधर आ जाओ, आपको पूछे 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। अब ये चीज पूछ लिया, अब क्या पूछ सकता है बताओ 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ टोटल एटम होंगे, ठीक है। ये पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, दो ऑक्सीजन का और एक कार्बन का है। अगर टोटल करेगा तो मतलब यहां तक तो निकालना है, बस उसी में क्या करना है आपको टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर देना। अभी वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। इसे पूछ ले बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बता दो, ये पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकता है बताओ इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। और क्या पूछ सकता है बच्चों, पूछ ले बताओ उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। और क्या पूछ सकता है 88 ग्राम में ही पूछ ले आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कितने, ठीक है। इतने क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया, ठीक है। आपसे इतने सारे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, इनमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो ये मैं सारी आपको पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको दिया क्या है, पहले इस पे ध्यान दीजिए। आपको दिया क्या है 88 ग्राम ऑफ CO2 एट HTP, मतलब आप यहाँ पर मतलब ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस दिया कितना 88 ग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन मोल, अब मोल की तरफ आना है, मोल की तरफ आ रहे हो ना, एरो मैंने बना दिया मोल की तरफ आ रहे हो, मतलब डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से। किसके मोलर मास से, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया है, कौन दिया है CO2, तो बस 88 दिया है ग्राम और CO2 का मोलर मास कितना 44 ग्राम होता है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया बच्चों 2 मोल, ठीक है। कितना सिंपल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ HTP निकालना है, मतलब आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। तो मैंने बोला है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आना है, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मोल के पास जाना पड़ेगा, तो मोल निकालो, उसके बाद मोल से इधर आना है, तो मोल से जब दूर जाते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, वॉल्यूम पूछेगा तो HTP कंडीशन दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये मैं पूरा प्रोसेस दिख रहा हूँ 44 ये मोल आया इंटू 22.4 लीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, चलो ये निकाल लिए, अब आपसे ये चीज पूछ रहा है, मतलब वो दिया है आपसे ये फाउंड आउट करना है। सबसे पहले मोल निकालो और मोल से आपको मॉलिक्यूल निकालना, तो मोल से दूर जा रहे हो मल्टीप्लाई कर देना किससे, एवोगैड्रो से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाय 44 इंटू ये मोल हो गया एवोगैड्रो नंबर, ये आपका आंसर हो गया मॉलिक्यूल का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम, मतलब 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालो बच्चों, मतलब ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको वहां दिया है, यहां से यहां आओ, फिर यहां आओ, फिर मल्टीप्लाई कर दो,
एटम कैसे निकालोगे, 88 डिवाइड बाई 44, ये क्या हो गया मोल। एवोगाड्रो को मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, दो ऑक्सीजन के एक कार्बन, टोटल कितने हुए 3। तो मॉलिक्यूल आपने जो निकाला है बस एटम को मल्टीप्लाई कर 3, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, आपको एक लाइन में बस सोचना है क्या चीज दिया, क्या चीज फाइंड आउट करना है, पूरा मूल कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कर कितने हैं, तो यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक आओगे तो 88 डिवाइड बाई 44 ये मोल हो गया, एवोगाड्रो को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पहुंच गए। अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो देखिए बच्चों CO2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने एटम है, 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर, क्लियर है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, मतलब यहाँ तक तो देखिए इनमें चारों में से कोई भी पूछे आपको यहाँ तक बिना कुछ सोचे आना ही है, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको प्रोटॉन निकालना है तो 88 डिवाइड बाई 44, ठीक है, ये हो गया मोल इंटू एवोगाड्रो, हम लोग मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। अब CO2 में देख लो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन ये नाइन्थ में आप लोगों ने सीखा होगा, प्रोटॉन कैसे निकालोगे, सबके एटॉमिक नंबर का सम कर दो, तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 और 2 है 16, तो 22 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रॉन भी 22, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो बच्चों, फॉर्मूला क्या था आपका, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास तो आपको 44 है, प्रोटॉन 22, ये भी कितना है 22, तो यहाँ से क्या करते हो 22 का मल्टीप्लाई, हो गया 88 ग्राम ऑफ CO2 में इतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन भी आपका कितना है 22 है, सेम आंसर होगा 88 डिवाइड बाई 44 इंटू एवोगाड्रो, पहुंच गए हम लोग कहाँ पर, मॉलिक्यूल तक, इंटू 22, यही आंसर होगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन भी 22 है, तो ये तो कॉमन है यहाँ तक आना, तो यहाँ से 88 डिवाइड बाई क्या बच्चों 44 इंटू एवोगाड्रो इंटू 20, ये हो गया आंसर। इनमें से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसका मैं वर्कशीट अटैच कर दूंगा लिंक में, आप उसके सॉल्व कर लिए, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेई नीट में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के हैं आप एक लाइन में आंसर पूरे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बस आपको करना है ये शॉर्ट ट्रिक, आपको ध्यान रखना है माइंड में क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने जो बताया, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताए वो ये चीज़ दिया था। सिमिलरली आपको वॉल्यूम दिया हो किसी चीज का, आपको मोल पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, ठीक है, तो वो भी तो ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर भी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप प्रैक्टिस की जरूरत है इस पर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यही रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो दूसरा बन रहा है, जैसे मान लो हमें ये चीज देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, O2 का 32, तो चलो कोई ऐसा लेते हैं जो कैंसिल आउट हो जाए, मान लो 64, अच्छा हमें वॉल्यूम लेना है, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं, इसका 2 टाइम करोगे कितना, 44.8 लीटर ऑफ O2 एट HTP, ठीक है, ये चीज दिया है हमने, ये वैल्यू ऐसे ही दिया था, कैंसिल आउट हो जा रहा है 22.4 लीटर से, अब वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब ये चीज दिया है, ठीक है, 44.8 लीटर ऑफ O2 एट HTP कंडीशन दे रखा है। अब पहला क्वेश्चन वही, ये चीज दिया है मोल पूछ ले, ठीक है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ एच, ये नहीं पूछे क्योंकि ऑलरेडी ये दे रखा है, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसके प्लेस पे ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसके प्लेस पे वेट ऑफ O2 एट HTP कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपको अब ध्यान क्या देना है, दिया क्या है 44.8 लीटर ऑफ O2 एट HTP, मतलब ये चीज दे रखा है। तो आपको पहला क्वेश्चन मोल पूछ रहा है, मोल की तरफ जाना है, डिवाइड करना है किससे, जब भी वॉल्यूम मोल का रिलेशन हो तो HTP दिया 22.4 लीटर, पहला आंसर क्या हो जाएगा
आपको 44.8 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 लीटर, ये सॉरी 2 मोल पहला आंसर। ठीक है, अब आपको पूछा वेट ऑफ O2 एंड STP, तो मोल से आपको वेट की तरफ जाना है, जब भी मोल से दूर जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो किससे, जो भी मॉलिक्यूल दिया उसके मॉलिकुलर मास से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 44.8 डिवाइड बाई 22.4 ये मोल हो गया, और इंटू O2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों 32, बस इसमें 32 का मल्टीप्लाई कर दो इतना ग्राम आंसर होगा। ठीक है, एक लाइन में आंसर बिना कुछ सोचेगा, आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये आप ठीक याद कर लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे मतलब उधर हो गए क्वेश्चन, अब इधर आ रहा है, तो मोल तो जाना ही है, क्योंकि मोल क्या है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आप स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जा सकते हो, मोल आपने निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, मोल निकालो मोल से दूर जा रहे हो मतलब मॉलिक्यूल निकालना, तो यहाँ पर खेल किसका होगा बच्चों, एवोगैड्रो का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 44.8 डिवाइड बाई 22.4 ये मोल हो गया, अब मोल से मॉलिक्यूल की तरफ आना है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बच्चों आंसर 44.8 लीटर ऑफ O2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कॉमन है, अब इन चारों के लिए क्या होगा कॉमन होगा, तो एटम निकालना है, तो यहाँ पर एटम कितने, ऑक्सीजन के 2 एटम है, बस ये चीज जो निकाले हो 44.8 / 22.4 इंटू एवोगैड्रो यहाँ पहुंच गया बच्चों। अब एटम पूछा है तो ऑक्सीजन कितने, 2 एटम, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर, खुश हो जाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम एंड ये क्वेश्चन दोनों सेम है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की बात करोगे तो ऑक्सीजन भी 2 है और एटम भी टोटल क्या है, 2 ही है, तो ये और ये आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको यहाँ तक तो आना ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 44.8 डिवाइड बाई 22.4 लीटर ये मोल हो गया, मोल से मॉलिक्यूल की तरफ आओ, एवोगैड्रो मल्टीप्लाई कर दो। अब O2 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर कितने, ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखिए आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन में कितना होगा 16, न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 और इसका इलेक्ट्रॉन भी 16। तो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कोई अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा उसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन निकालने का बस एक ही फॉर्मूला है, आप लोग ने पढ़ रखा है, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास आपको पता है 32 है, प्रोटॉन पता है 16 है, तो ये भी कितना 32 माइनस 16 कितना 16 है, मतलब इन तीनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो यहाँ क्या कर दो बच्चों, 16 की मल्टीप्लाई 44.8 लीटर में इतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, तो इन सबका भी आंसर क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ये भी आंसर सेम होगा और इसका भी आंसर सेम होगा, भी तीनों की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, इस ट्रिक से आप कोई जैसे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ सकता है, तो अगर ये दिया हो तो मोल निकालो, मोल से फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, मोल निकालो इधर जाओ मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये जो भी ट्रिक है वो क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि मोल इन टर्म ऑफ वेट, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत, एक ट्रिक है ये आपके लिए, कोई भी आप मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बस ये ट्रिक आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है और उसके बाद एक लाइन में आप आंसर कर लोगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई नीट में आए हुए हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि पूछा जाए विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, 24 ग्राम ऑफ
कार्बन एटम, बी ऑप्शन है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम, सी ऑप्शन है ठीक है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम, और डी ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। इसे पूछा है कि ये चीज आपको दे रखा है, पूछ रहा क्वेश्चन का विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इनमें से कौन किस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको क्या दिया है, ये सब क्या दिया है, वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जब निकालोगे तो आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो क्या करो 24 डिवाइड बाय कार्बन दिया, कार्बन एटम बाय एटॉमिक मास 12, ये हो गया मोल, मोल में एवोगाड्रो का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और कार्बन एटम है कि यही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का देखिए, ये मतलब 24 ग्राम में इतने एटम होंगे, इसका जब निकालोगे बच्चों क्या होगा 27 एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास 27 इंटू एवोगाड्रो इंटू 1, तो इसका ये हो गया। इसमें जब सिल्वर का निकालोगे तो 108 सिल्वर का एटॉमिक मास 108 इंटू एवोगाड्रो, ये मॉलिक्यूल हो गया और सिल्वर एटम कितना 1 है, और सोडियम का निकालोगे सोडियम के एटॉमिक मास 23, सोडियम का वेट इतना दिया है एटॉमिक मास 23 एमएन टू एवोगाड्रो इंटू 1, ये इतना हो गया। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये सब वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको क्लियर है कि ये चीज तो सब में कॉमन है, यहाँ तक सोचना ही नहीं था आपको, जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें एटम भी आएंगे, तो ये सब तो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 2 मोल आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आया था जेई मेंस में आया था 2014, ठीक है, वो क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये था कि मास रेशियो, मासेस रेशियो ऑफ O2 एंड N2 मॉलिक्यूल दे दिया था 1:4। ठीक है, मास रेशियो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का दे रखा था कितना 1:4। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनकी मॉलिक्यूल का रेशियो बताओ। ठीक है, ये जेई में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बहुत समझना क्या है, मास का रेशियो दे रखा है। ठीक है, आपको क्या निकालना था, मॉलिक्यूल का रेशियो, मास का रेशियो मतलब यहाँ पर आपको दिया है तो ऑक्सीजन कितना दिया, 1 चाहे ग्राम मान लो एक्स ग्राम, इसको 4x ग्राम मान लो, और नहीं भी मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर O2 एंड N2 का, ठीक है, O2 और N2 का मास रेशियो दे रखा है 1:4। ठीक है, अब इसी मास को, मास रेशियो मतलब क्या होगा, ये 1 ग्राम होगा और ये क्या होगा 4 ग्राम, ये ऑक्सीजन का ये नाइट्रोजन का। अब इसे क्या करो, ग्राम हमें मॉलिक्यूल निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना है 1 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32। ठीक है, ये क्या हो गया मोल, और मोल में क्या करो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज मॉलिक्यूल बन गया डिवाइड बाय 4 ग्राम नाइट्रोजन का एटॉमिक कितना हो जाएगा 28 इंटू एवोगाड्रो। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल, ये तो कैंसिल लाओ और ये सॉल्व करोगे तो ये कितना 7 रेशियो कितना 32, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक लाइन में आंसर हो, इसमें कुछ नहीं सोचना आपको, मास का रेशियो दिया था, मॉलिक्यूल का पूछे, इसी तरह से आपको किसी इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछ लिया, प्रोटॉन का रेशियो पूछ ली, ऐसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता बेटा बताइए इसमें प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, ये तो मॉलिक्यूल का हो गया। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, बोल दूं कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर प्रोटॉन्स, ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर O2 और N2 का मास रेशियो दे रखा है कितना 1:4, या इसको 1 ग्राम और 4 ग्राम बोल सकते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन का रेशियो, मतलब मॉलिक्यूल तो आना ही है, और मॉलिक्यूल के बाद उस मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए कैसे होगा,
यहाँ से 1 ग्राम को पहले यहाँ पर आना है, सबसे पहले मोल, मोल मतलब इसके O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, ठीक है। अब इनटू एवोगैड्रो करोगे तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और पूछा क्या है, प्रोटॉन के रेशियो, तो O2 में कितने प्रोटॉन है, O2 में 16, तो यहाँ से इनटू क्या करोगे, 16 डिवाइड बाई, यहाँ से क्या होगा, 4 डिवाइड बाई नाइट्रोजन कितना 28, ये मोल हो गया, इनटू एवोगैड्रो इनटू। अब नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14, ठीक है। ये हो गया प्रोटॉन का, बस इसी को कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 7 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया, और ये कैंसिल आउट कितना 8 हो जाएगा, और ये यहाँ से कितना 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1:4 ही होगा, ठीक है। प्रोटॉन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4, ठीक है। आपको बस इसको कैंसिल आउट करना है, जो भी रेशियो है तो वो प्रोटॉन का, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, एटम का रेशियो, कुछ भी आपसे पूछे आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल मोल कॉन्सेप्ट और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बस ये ट्रिक ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, जो भी क्वेश्चन आए हुए मोल कॉन्सेप्ट की इसे प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जो मैंने एटॉमिक मास और AMU का रिलेशन बताया था, और बेसिक जो मैंने चीज आज सिखाया आपको स्टार्टिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये वाला ट्रिक, ठीक है। इससे आप मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आजकल जो पूछते हैं वो क्या होता है, मोल को स्टोइकोमेट्रिक रेडॉक्स रिएक्शन से मिला के पूछते हैं। तो अभी हमने जो सीखा है वो मोल कॉन्सेप्ट प्योर अगर दिया हो तो उसको कैसे आप शॉर्ट तरीके से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बच्चों।